हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की न्यू वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जो कि 2000 से ज़्यादा पदों की वैकेंसीज है स्कूलों में। साथ में यहाँ पर जो आपकी जिलेवार ही वैकेंसी निकलने वाली है, इसकी नियमावली के रिगार्डिंग कुछ अपडेट देखेंगे। चलिए जानते हैं इसमें किस तरह की वैकेंसीज है जो कि आपकी निकलने वाली है, और साथ में यहाँ पर जो है भर्ती का जो प्रोसेसिंग वो किस तरह का रखा गया है, पूरा पूरा शिक्षा विभाग ने जारी कर रखा है। यहाँ पर 2300 के करीब जो पोस्ट थी शिक्षा विभाग में निकल के आई थी, उसमें अगर बात करूँ तो अब आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी 2300 करीब जो ग्रुप डी में या जो फोर्थ क्लास में निकल के आ रखी है भर्ती, तो उसमें गांव के बेरोजगार को ही यहाँ जो है स्कूल में मिलेगी नौकरी। तो गांव के बेरोजगारों को ही मिलने वाले हैं, प्राथमिकता उन्हीं को दी जाने वाले हैं, जो काफ़ी अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। यानी कि आपके जो घर के पास जो है स्कूलों में नौकरी लग जाएगी। और इसमें यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको जो है स्कूल में जो है चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो है होने वाली आउटसोर्स भर्ती स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगार को ही प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि स्थानीय जो बेरोजगार होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर गांव से अभ्यर्थी न मिलने पर जो है संबंधित जो स्कूल की जो है न्याय पंचायत के बेरोजगारों को पहला मौका दिया जाएगा। अगर स्कूल के गाँव के आसपास के बेरोजगार नहीं मिलेंगे तो पंचायत जो न्याय पंचायत होंगे उसके आसपास के छात्रों को लिया जाएगा। इसमें 2364 पदों की भर्ती यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। और इसमें बताया गया प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने 15,000 रुपये यहाँ पर मानदेय मिलने वाले हैं। और डीजी शिक्षा बंसीधर तिवारी ने कहा है कि आउटसोर्स एजेंसी के चयन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की जा रही है। तो आउटसोर्स के माध्यम से जो एजेंसी है उसका प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। और इसमें नियुक्ति का मानक तय कर दिया गया है। और आउटसोर्स के आधार पर जो यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न जो शिक्षा कार्यालय है इसमें 334 पद पर जो है की जानी है, जबकि 2030 पद पर जो है स्कूलों के लिए यहाँ पर क्या करनी है, ठीक है। और कार्यालय में जो कि जो शिक्षा विभाग में ऑफिस होते हैं वहाँ पर 334 हैं। और जो स्कूल्स हैं 2000 इन पर करने वाले हैं 2000 के करीब इन पोस्ट, और टोटल मिला के 2300 करीब इन पोस्ट हैं। इन पर जो है बताया गया है कि कार्यालयों में संबंधित ब्लॉक और जिले के बेरोजगार को चयन किया जाएगा। तो संबंधित जो ब्लॉक होंगे ब्लॉकवार जिलेवार आप पे भर्ती आएगी, तो जिलेवार भर्ती आपकी आने वाली है इन पर। और स्कूलों को जो है छात्र संख्या के आधार पर जो है मिलेंगे कर्मचारी, जो छात्र संख्या के आधार पर ही मिलने वाले हैं। जैसे 11 इंटर कॉलेज में तीन तीन होंगे, ठीक है। इसमें बताया गया कि 1000 छात्र संख्या वाले जो 11 ऐसे इंटर कॉलेज जिसमें तीन तीन यहाँ पर कर्मचारी मिलेंगे वहाँ पर, जिसमें 500 से लेके 1000 छात्र संख्या वाले होंगे उसमें यहाँ पर 62 जो स्कूल्स हैं ऐसे जिनमें दो दो यहाँ पर कर्मचारी रखे जाएंगे फोर्थ क्लास के। ऐसी 500 से कम छात्र संख्या वाले जो लगभग 11 से इंटर कॉलेज हैं उनमें एक एक कर्मचारी यहाँ पर रखा जाएगा। और इसी क्रम में जो है हाई स्कूल में भी 722 हाई स्कूल और यहाँ पर 43 जो नए उच्च स्कूल हैं उन पर भी एक एक कर्मचारी यहाँ पर रखा जाना है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी। 15,000 रुपये आपको